देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव 2022 के इस खास स्पेशल शो जिसका नाम है गांव की सरकार R9 भारत आप सभी के समक्ष लेकर उपस्थित हुआ है, जिसमें हम आपको बताएंगे सभी प्रत्याशियों के रिपोर्ट कार्ड और क्या है जनता की राय। तो आइए शुरू करते हैं ये सिलसिला। पलामू जिले के उटारी रोड प्रखंड जिला पार्षद प्रत्याशी मनोज कुमार सिंह ने सोमवार को अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ प्रखंड क्षेत्र के कई गांवों में जाकर डोर टू डोर जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान श्री सिंह ने मुरमा खुर्द में R9 भारत के समक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस करी। उन्होंने कहा कि उटारी रोड प्रखंड की जनता इस बार मौका देती है तो उटारी रोड प्रखंड को मॉडल प्रखंड बनाएंगे। कॉन्फ्रेंस के माध्यम से श्री सिंह ने उटारी रोड प्रखंड वासियों से अपने पक्ष में बैलेट पेपर के क्रम संख्या 7 चुनाव चिन्ह बक्सा छाप पर मतदान करने की अपील करी है। मौके पर राजमणी सिंह, बैजू सिंह, मुकेश मेहता, चंदन सिंह, सूरज विश्वकर्मा, पपन सिंह, पवन गुप्ता, प्रिंस सिंह, निखिल सिंह, संतोष यादव, संतोष मेहता सहित कई सारे लोग मौजूद थे। याद रखिए मनोज कुमार सिंह प्रत्याशी उटारी रोड प्रखंड, जिनका चुनाव चिन्ह है बक्सा छाप और क्रम संख्या है 7। समस्त जनता से अपील करी है कि ज्यादा से ज्यादा वोट देकर भारी मतों से मनोज कुमार सिंह को विजयी बनाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं R9 भारत और मैं हूं अमित चौधरी। अभी हम मौजूद हैं उटारी रोड प्रखंड के मुरमा खुर्द गांव में। अभी हमारे साथ मौजूद है पूर्व जिला पार्षद, वर्तमान में जिला पार्षद के प्रत्याशी हैं मनोज सिंह जी। इनको देख रहे हैं लगातार क्षेत्र में कैंपेनिंग कर रहे हैं, इनका डोर टू डोर जनसंपर्क चल रहा है। क्षेत्र में क्या स्थिति है इस बार मनोज सिंह जी? नमस्कार, क्षेत्र में हमारी स्थिति बहुत अच्छी है, लोगों का अपार समर्थन मिल रहा है। समर्थन इसलिए मिल रहा है कि मैं चुनाव जीता और 5 साल अपने क्षेत्र में अपने कार्यकर्ता के बीच में सभी गांवों में घूमकर सरकार के द्वारा कोई फंड नहीं मिलने के कारण भी जो विभाग से बनता है बिजली विभाग हो, हमने बिजली विभाग से अपने क्षेत्र में 50 ट्रांसफार्मर लगवाया, गरीब असहाय को वृद्धा पेंशन, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, विधवा पेंशन करवाया, गांव को जोड़ने के लिए सड़क से जोड़ने के लिए जैसे लकड़ही हो गया, मरती माझी हो गया, डेवडर विधवा हो गया, इतिहारा हो गया, जो गांव कटे थे सड़क से उनको जोड़ने के लिए हमने पुलिया बनवाया। जगह जगह आपके मैं बता चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, जोगा पंचायत में हमने 4.5 करोड़ की लागत से माननीय विधायक से अनुशंसा कराकर हमने सड़क बनवाया। रहन बीघा गांव जो है 82 लाख की लागत से हमने 1 किलोमीटर सड़क बनवाने का काम। R9 भारत के लिए अमित चौधरी की रिपोर्ट, उतारी हुई। देखिए एक खास शो गांव की सरकार सिर्फ और सिर्फ R9 भारत पर।